इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिखो पुल का शव मिला है। उनका शव उनके घर से बरामद हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिखो पुल का शव बरामद हुआ है। उनका शव घर से बरामद हुआ है और इस बारे में अभी फिलहाल आगे की तफ्तीश चल रही कि हमलावर कौन थे और कैसे उनका शव उनके घर से बरामद हुआ। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिखो पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। और कुछ आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिखो पुल का शव बरामद हुआ है। उनके घर से उनका शव बरामद किया गया है। पिछले साल दिसंबर में कलिखो पुल मुख्यमंत्री बने थे और करीब 6 महीने मुख्यमंत्री रहे थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से सरकार परिवर्तन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। और कलिखो पुल पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के और उनका शव उनके घर से बरामद किया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिखो पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिखो पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। 6 महीने करीब वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल हुई और उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और अब खबर ये आ रही है कि कलिखो पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। और अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद है। अनुपम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है कि कलिखो पुल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी वो चीफ मिनिस्टर बंगलो में ही थे, ईटानगर में, वहीं पर उनका शव मिला है। प्राथमिक तौर पर ये समझा जा रहा है कि हालांकि उन्होंने खुदकुशी की है, ये खबर प्राथमिक तौर पर आ रही है, लेकिन अभी प्री मेच्योर होगा कुछ भी कहना, क्योंकि तुरंत हुआ है, कुछ देर पहले उनका शव मिला है, तो छानबीन अभी शुरू हो गई है। अनुपम, जानना चाहेंगे कि उस वक्त घर पर कौन कौन मौजूद थे? क्या कलिखो पुल अकेले घर पर थे? जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी अपुष्ट खबरों से पता चल रहा है कि शायद उन्होंने खुदकुशी की है। ये देखिए, अभी इस बारे में कुछ भी और डिटेल्स नहीं मिल पा रही है। तुरंत अभी अभी जस्ट खबर आई है कि कलिखो पुल का शव मिला है, चीफ मिनिस्टर बंगलो में ही थे, वहां पे उनका शव मिला है ईटानगर में। और प्राथमिक तौर पर पुलिस का जो मानना है कि उन्होंने खुदकुशी की है, ये प्राथमिक तौर पर समझाया जा रहा है, लेकिन छानबीन शुरू हुई है। पूरी पुख्ता तौर पर जानकारी थोड़ी देर में ही मिल पाएगी, ये पुलिस के अनुसार कहा जा रहा है। क्या किसी तरह के प्रेशर में थे कलिखो पुल जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से क्या किसी तरह का प्रेशर, आपको इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक जब जब ये घटना हुई थी, जब खांडू को नेता चुना गया था, उस समय कलिखो पुल भी मौजूद थे और सबने सर्वसम्मति से ही पेमा खांडू को नेता चुना था। इसके बाद अभी तक कलिखो पुल के सामने नहीं आया कि उन पर किसी तरह का दबाव डाल हो या किसी तरह की बात उनसे कही गई हो, इस तरह की बात अभी तक कलिखो पुल की ओर से सामने नहीं आई। अनुपम मिश्र की हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि अभी अभी खबर आ रही है कि शायद कलिखो पुल ने खुदकुशी की, हालांकि अपुष्ट खबर है, अभी तक इस बारे में तस्दीक नहीं की जा सकी है। घर से कलिखो पुल का शव मिला है, घर पर कौन कौन मौजूद थे इस बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन पिछले साल कलिखो पुल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, बीजेपी की मदद से सरकार बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहाँ पर फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल हुई, कलिखो पुल को इस्तीफा देना पड़ा था और पेमा खांडू नए मुख्यमंत्री बने थे। क्या कलिखो पुल किसी तरह के दबाव में थे? अभी ये कुछ खुलासा होना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त की है, कलिखो पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। एक बार फिर से चलते हैं अनुपम मिश्र के पास। अनुपम, क्या कुछ इस पर और डिटेल दे पाएंगे आप? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। फिलहाल घटना थोड़ी देर पहले है, थोड़ी देर पहले ही पता चल पाया है उनका शव बरामद हुआ है उनके घर से। प्राथमिक छानबीन के बाद पुलिस का कहना है कि हो सकता है ये खुदकुशी का मामला लग रहा है, लेकिन पुख्ता तौर पर पूरी छानबीन फॉरेंसिक छानबीन के बाद ही कहा जा सकेगा। और अब किसी दबाव में थे कलिखो पुल या उन पर कोई किसी तरह का दबाव पड़ रहा था, इस बारे में अभी तक सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं आई है। अब ये छानबीन का विषय है, पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जी, छानबीन पुलिस फिलहाल कर रही है, लेकिन अभी जो पुलिस ने प्रारंभिक
जांच के दौरान पाया कि ये शायद खुदकुशी का मामला हो सकता है। अभी तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है। घर से कलिको पुल का शव मिला है और स्थानीय चैनल के मुताबिक खुदकुशी करने की भी आशंका जताई जा रही है। जब से सरकार अरुणाचल प्रदेश में बदली थी उसके बाद हो सकता है कलिको पुल दबाव महसूस कर रहे हों, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि घर से कलिको पुल का शव बरामद हुआ है। पिछले साल ही उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। करीब 6 महीने तक कलिको पुल मुख्यमंत्री रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर से वहां पर कांग्रेस की सरकार बहाल हुई थी। कलिको पुल को इस्तीफा देना पड़ा था और पेमा कांडू को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। क्या कलिको पुल किसी तरह के दबाव में थे? बीजेपी की मदद से पिछले साल ही कलिको पुल मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहां पर कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल हुई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर, कलिको पुल का शव उनके घर से बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक कलिको पुल ने खुदकुशी की है, हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के कलिको पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। एक बार फिर से चलते अनुपम मिश्र के पास, हमारे संवाददाता अनुपम, लगता है अनुपम से संपर्क कट गया है। कांग्रेस से विद्रोह करने के बाद कलिको पुल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसके बाद बीजेपी की मदद से कलिको पुल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। करीब 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कलिको पुल को इस्तीफा देना पड़ा और अब ये खबर आ रही है कि कलिको पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम रहे कलिको पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस वक्त घर पर कौन कौन थे। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि शायद कलिको पुल ने खुदकुशी की है, हालांकि अभी इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और स्थानीय चैनल का भी कहना है कि कलिको पुल के खुदकुशी की आशंका वो जता रहे हैं। बीजेपी की मदद से 6 महीने पहले ही कलिको पुल को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस की सरकार बहाल हुई थी। कलिको पुल को इस्तीफा देना पड़ा था। हो सकता है कलिको पुल किसी तरह का दबाव महसूस कर रहे हों, हालांकि कलिको पुल ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद फिर से वापस कांग्रेस में चले गए थे। बड़ी खबर इस वक्त की, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिको पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। और कलिको पुल कद्दावर नेता माने जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के, और जब सत्ता परिवर्तन हुआ था कलिको पुल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हमारे साथ निनोंग एरिंग है, कांग्रेस सांसद हैं अरुणाचल प्रदेश से। निनोंग जी, किस तरह से देखते हैं कलिको पुल का? अभी खबर आई कि कलिको पुल का शव उनके घर से बरामद किया गया है। अभी मैं उनका फैमिली मेंबर से तो मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन कुछ दिन पहले उनसे तो मैं बात किया था और उसमें तो वैसा कोई कारण नहीं था उनको सुसाइड करने का। तो वैसे लोग, अभी जैसे आपने बोला उनका शव मिला मीन्स उनका तो आत्महत्या वाला ही केस है, क्योंकि मैं अभी कुछ विधायक हैं वहाँ और हमारे डिप्टी सीएम मिस्टर चौनामेन थे, तो उनसे जब पता लगा तो उन्होंने कहा इट्स अ केस ऑफ सुसाइड बिकॉज उनका फैमिली मेंबर सब वहीं थे। तो कल रात तक तो वो ठीक ही थे, अब से उनका साथ तो उनसे बच्चों से या फैमिली मेंबर से या उनका जो पब्लिक लीडर है उनसे तो शायद मिल रहे थे, सबसे बात कर रहे थे। तभी ऐसा घटना हो गया कि यू नो दिस मॉर्निंग हुआ है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। होना नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत अच्छा युवा नेता था वो, हमारे अरुणाचल का ही भविष्य है, बहुत लोग उनपे मानते थे उनको। ऑफकोर्स पॉलिटिकल दिस थिंग दाव पेस तो होता ही है, यू हैव टू फेस दिस सर्कमस्टेंसेस, बट एट दिस एक्सट्रीम स्टेप हो जाएंगे वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब आपसे बात हुई थी, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उनको इस्तीफा देना पड़ा था, आपको कहीं लगा जब उनसे मिलते थे कहीं लगा कि वो दबाव महसूस कर रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं, बिकॉज ही वाज सच अ जॉली पर्सन। जब उनको मिला भी वो हमको बड़े भाई से पुकारते थे, बड़ा भाई इट्स ओके नथिंग, ऐसा तो होते रहता है, एंड ही टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली। जब वो आफ्टर हिज यू नो जब वो
सीएम नहीं रहे तब भी मैं उनको संपर्क में था, तो उस समय ही टुक इट वेरी लाइवली ना, ही टुक इट ऑन स्ट्राइक। तो ऐसा कोई हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा वो कमिट करेंगे सुसाइड। लेकिन लोग जैसे बोला है कि शव मिला या उनका ये यू नो कुड बी सम फॉल्ट पे, वैसा भी तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसका कोई दुश्मनी नहीं था, उनके साथ सभी अच्छे थे। तो या कोई एफएम ऐसा नहीं, बिकॉज ही वॉज इन द सीएम बंगलो, तो अभी तक वो सीएम बंगलो ही नहीं छोड़ा था। तो आपको आप तक जानकारी कैसे पहुंची? और जो स्थानीय चैनल है वहां की, वो बता रहे कि खुदकुशी की आशंका वो जता रहे हैं। खुदकुशी का आशंका नहीं, वो खुदकुशी है, बिकॉज वहाँ हमारे जितने विधायक हैं और उसके बाद हमारा जो डिप्टी सीएम है उनसे मेरा अभी भी संपर्क किया उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि वो अभी सब यहीं बैठे हुए हैं, अभी हम इसका शव का क्या करें, इसको अब क्षेत्र में उसका अंजाव है बहुत दूर है उनका क्षेत्र, तो वहाँ ले जाए या अभी क्या करें, इसको यहाँ रखें करके वही अभी पूरी पोस्टमार्टम भी करना पड़ेगा उसका, फिर उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरा करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही वो कोई निर्णय लेंगे। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ ये तो कम्प्लीटली इट्स अ केस ऑफ सुसाइड एज पर वर्जन ऑफ ऑल दोस आवर फ्रेंड्स हैं, जो जितने MLAs हैं, विधायक है, लीडर्स हैं, वहाँ सब अभी हमसे संपर्क कर रहे हैं, आई एम स्पीकिंग टू देम। आपको जानकारी मिल पाई है कि उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद थे? अकेले थे? फैमिली मेंबर्स सभी थे। फैमिली से बात हो पाई आपकी? फैमिली से बात हो पाई क्या? नहीं, उस वक्त फैमिली घर में थी या कहीं बाहर गई थी? फैमिली से बात करेंगे, वो हमारा वो MLA है, हमारे डिप्टी सीएम भी वहीं बैठे हुए हैं, इवन आई थिंक सीएम भी पहुंच गए होंगे अभी तक। जस्ट बिफोर स्पीकिंग टू यू स्पोक टू आपसे, जब अभी जो बात कर रहा हूँ जस्ट पहले फोन उनसे मैं कर रहा था। तो आप कह रहे हैं कि पुख्ता तौर पे ये मान लिया जाए कि कलिखो पुल ने सुसाइड ही की है? हाँ, अभी तक यस। तो कांग्रेस सांसद अरुणाचल प्रदेश के निनोंग एरिन, उनका कहना है कि कलिखो पुल ने सुसाइड किया है, जो वहां पर विधायक मौजूद हैं और जो तमाम नेता वहां पहुंचे हैं उनके मुताबिक कलिखो पुल ने सुसाइड किया है। हालांकि पुलिस प्रारंभिक जाँच में ये मानकर चले कि ये सुसाइड का मामला है और अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।